हाय, वेलकम टू ऑल। पार्ट वन के आगे से हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें शुरुआत में ही हमें रशियन फैंस मिल गए, चलिए उनसे हम बात करते हैं। मिन्या जबूत एबिट कैसा? देना यू दास। हम लोग रशियन भाषा सीख कर आए थे, आप भी सीख सकते हैं। आप सभी अपने मोबाइल में गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करिए और स्टार्ट लर्निंग इफ यू वांट टू विजिट गोवा। इंडिया में हर साल लगभग 70% पर्यटक रशिया से आते हैं और 30% दूसरे देशों से आते हैं। सीजन में तो गोवा में हर जगह आपको रशियन ही दिखेंगे। मैं गोवा में रहती हूँ। अभी नवंबर में मैं गोवा के सारे बीच घूम रही हूँ। अगर आपको गोवा के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, गोवा दो भागों में बटा हुआ है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपको नॉर्थ गोवा ही घूमना चाहिए। साउथ गोवा कर्नाटक के बॉर्डर एरिया में है, जहाँ पर आपको पालोलेम और कुछ छोटे बीच ही मिलेंगे और नॉर्थ गोवा में आपको सारे फेमस बीच मिलेंगे। बहुत आगे चले गए हैं, अब हम लोग वापस लौट रहे हैं। बहुत धूप है इसलिए हम लोगों को वाटर और सेट की जरूरत है। जबूत श्वेता क्या? ओके।
पोका पोका सक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद हम लोग आगे लंच की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने उससे रशियन में बोला और उसने इंग्लिश में रिप्लाई दिया। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने लंच कहाँ पर किया। सकते हो या अंदर जाकर भी बैठ सकते हैं, लेकिन क्यूपिल यहाँ पर बैठने ही प्रेफर करती है। यहाँ पर बैठने का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आपको कुछ खाना या पीना पड़ेगा। यहाँ पर बेड भी रहते हैं, बेड के लिए बेड में बैठने के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई है। केवल 140 रुपए है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे है अंजुना दीश, बाय बाय।